कि इस वक्त मईशत को वहाँ पहुँचा दिया गया है जहाँ आप खुद जानते हैं कितने पैसे हमारे पास रह गए, उनमें से 3 अरब डॉलर सऊदी अरब के हैं, शुक्रिया, 3 अरब डॉलर चाइना के हैं, शुक्रिया, और 2 अरब डॉलर यूएई के हैं, शुक्रिया। और इसकी आप तकरीर दिखाया करें, ये कहता था कि हमें दे दो, हम 6 महीने में पाकिस्तान को उठा के ले गए हैं पाकिस्तान को। ये इस 6 महीने में जो पैसे आए टैक्स से आए वो कहाँ गए, जो IMF से आए वो कहाँ गए, जो इमदाद आई वो कहाँ गई। आपने देखा मौलवी साहब के जलसे में इमदादी टेंट उनको कारपेट के दौर के ऊपर इस्तेमाल किया गया। तो इसलिए इस जालिमाना निज़ाम से निजात के लिए हकीकी आज़ादी मार्च के आखिरी दिन जो फैसला इमरान खान ने किया था उस पर अमल होने जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर अवान का कहना है कि 23 दिसंबर को असेंबलियां तोड़ देंगे जिससे 27 किलोमीटर की हुकूमत गिर जाएगी। इस्लामाबाद में जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बाबर अवान ने कहा कि आज 2 मुकदमात पर जुडिशियल कॉम्प्लेक्स आए हैं, दोनों झूठे मुकदमात थे, एक मुकदमा आजम सवाती और दूसरा इमरान खान के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि इमरान खान की जमानत कबल गिरफ्तारी में 10 जनवरी तक तौसी हो गई है। सैलाब ज़दा अफराद की इमदाद की बजाय जहां सियासी शख्सियात के लिए उड़ाए जा रहे हैं। बाबर अवान का कहना है कि प्रोसिक्यूटर कहते हैं कि बहस करनी है और बाद में जज के ट्रांसफर ऑर्डर आ जाते हैं। आज मेरी बहस मुकम्मल हो गई है और दूसरी साइड प्रोसिक्यूशन ने कहा है कि हमने बहस करनी है, और मैंने कहा आप पे एतबार ही नहीं रहा कौम का, इसलिए कि आप कहते हैं बहस करनी है और ट्रांसफर ऑर्डर पकड़ के जज के हाथ में पकड़ाते हैं। कोई थोड़ा कोई अदब आदाब, कोई थोड़ा सा SOP, कोई थोड़ा सा इंसानियत होती है हर निज़ाम में जो इम्पोर्टेड में नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत को डर था कि इमरान खान इस्लामाबाद आया तो हमें घर जाना पड़ेगा, ये कहते थे कि 6 माह में पाकिस्तान को उठा देंगे। PTI रहनुमा का ये भी कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान के जलसों में इमदादी टेंट और कारपेट इस्तेमाल हो रहे हैं। PDM ने मईशत, ऐवान और कानून समेत तमाम मामलात का बेड़ा गर्क कर दिया है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल CTV News को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साइट पर दिए गए बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि आप तक पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरें पहुंचती रहें, क्योंकि CTV News खबर बनाता नहीं, सच दिखाता है।